नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार आप सबका अपने ही YouTube चैनल प्लेसमेंट सेल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा या फिर BTech कर रखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। देश पिछले कुछ दिनों से भारत के अंदर इलेक्शन होने की वजह से प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसीज नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि अभी इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और अब जो फीडबैक आ रही है कि प्राइवेट कंपनी के अंदर बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली है। जब भी हमारे पास पहले वैकेंसी निकलती थी तो स्टूडेंट्स हमें फोन करके पूछते थे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है इंटरव्यू के लिए। सारे स्टूडेंट्स को यह जानकारी देना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो चुका था। आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेना चाहते हैं। इसमें हम आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो चलिए आज की शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब जिस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो है आपकी हायर एजुकेशन, यानी कि 10th सर्टिफिकेट, प्लस टू यदि आपने प्लस टू की है तो, यदि आपने ITI कर रखी है तो उसकी मार्क लिस्ट या फिर कोई NCVT सर्टिफिकेट, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा का फाइनल सर्टिफिकेट, या फिर आपने BTech कर रखी है तो BTech का फाइनल सर्टिफिकेट, जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। उसके बाद बात करते हैं वो है आधार कार्ड के बारे में। स्टूडेंट्स किसी भी कंपनी में जब भी आप जॉब लेने के लिए जाओगे तो आधार कार्ड बहुत जरूरी है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कि उनकी फोटो बचपन की लगी होना या फिर नाम या डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिस्टेक होना। तो यदि आप में ऐसी कोई प्रॉब्लम, आपके आधार कार्ड में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से उन आधार कार्ड को अपडेट करवा लें ताकि ये सारी जो मिस्टेक है वो करेक्ट हो जाए। वही नेक्स्ट सर्टिफिकेट की बात करें वो है आपके पास पैन कार्ड। अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आजकल की हर एक कंपनी सबसे पहले पैन कार्ड ही कंपल्सरी कर रखा है, तो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। और यदि आपने पैन कार्ड नहीं बनाया है तो पैन कार्ड जल्दी से बनवा लें। उसके बाद नेक्स्ट सर्टिफिकेट की बात करें वो है कास्ट सर्टिफिकेट। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जाते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने की जरूरत, यानी कि ना हो तो भी चलेगा। वही बात करें नेक्स्ट सर्टिफिकेट की तो वो है ड्राइविंग लाइसेंस। स्टूडेंट्स आज हर कंपनी की जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट आ रही है वो है ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे वो आपके पास लाइटिंग ड्राइविंग लाइसेंस हो चाहे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो। यदि आपने अभी तक नहीं बनवाया अपना ड्राइविंग लाइसेंस तो जल्दी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस रेडी करवा दें। उसके बाद बात करें सर्टिफिकेट की तो उसमें आपके पास होना चाहिए आपका नेशनलाइज्ड बैंक का बैंक अकाउंट की कॉपी। यदि आपके पास प्राइवेट की है तो जल्दी से उसे गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट बैंक में आप अप्लाई करें और उनकी अपने पासबुक अपने पास रख लें। वही बात नेक्स्ट सर्टिफिकेट की करें तो उसमें चाहिए यदि आप मैरिड हैं तो आपके पास मैरिड सर्टिफिकेट लाजमी है। यदि आपके फैमिली में आपके फादर साहब या फिर मदर किसी भी की डेथ हो चुकी है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट जरूरी है। उसके बाद आपके पास लेटेस्ट 8 पासपोर्ट साइज की कलर्ड फोटो होनी चाहिए। उसके बाद यदि आपने कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रखी है जैसे कि स्काउट के अंदर, NCC के अंदर या कोई कंप्यूटर एक्स्ट्रा कोर्सेज कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो यदि पूरी जानकारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इस इंफॉर्मेशन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी को मिल सके, और इस वीडियो को लाइक करना भी न भूले। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, साथ में बने बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो आपको क्या क्या वहां पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और उन प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करके जाएंगे, इंटरव्यू के अंदर आपको कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपसे सवाल किए जाएंगे, तो इसके लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर देखते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।